अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मुझे यकीनन मिस कर रहे होंगे। अच्छा, ये सुबह के 5 बज रहे थे और आज जैनब यूनिवर्सिटी में कल्चर डे था और जैनब को वहाँ पर स्टॉल लगाना था, तो इन्होंने डिसाइड किया था मैक्रोनी एंड रैप्स का। सो मैक्रोनी मैंने बनानी थी और रैप की चीज़ें आलिया ने लेकर आनी थी, और गैस की लोड शेडिंग की वजह से मैक्रोनी गल चुकी थी थोड़ी बहुत, बट स्टिल अच्छी बनी थी। ये हमारा स्टॉल था जिसमें जैनब की एक फ्रेंड ने भी स्टॉल लगाया हुआ था। अब मैं आपको डिफरेंट स्टॉल्स दिखाती हूँ जो वहाँ पर लगे हुए थे। लोगों ने इतने स्टॉल्स लगाए हुए थे यहाँ पर, और मुझे लगता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिनकी इनकम हुई थी उस दिन वो था, वो आई थिंक जेल वाला कोई एक स्टॉल था जिन्होंने लोगों को पकड़ के वो जेल में बंद कर रहे थे, और फिर वो उनके फ्रेंड्स को बुला रहे थे कि भई आप आएँ और 5,000 दें इनको छुड़वाएँ, और लिटरली लोग कर भी रहे थे ये चीज़ें। मैं तो कहती मेरी दोस्त को पूरा दिन पकड़ी रखो भाई, मैंने नहीं लेना। ये आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा स्टॉल, ज्वेलरी, नेल्स, गजरे, मतलब गेम्स एंड इतने स्टॉल्स थे वहाँ पे, इतने थे कि लाइक वैरायटी, आपको हर चीज़ की वैरायटी नज़र आ रही थी। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी स्टॉल को विज़िट कर सकूँ उस दिन, क्योंकि जैनब लोगों ने मुझे रैप बनाने पर लगाया हुआ था और खुद ये लोग बिज़ी थी, बट स्टिल इन लोगों ने एक दो राउंड्स लिए जिसकी वजह से ये लोग देख रहे थे। बट आई वॉज सो बिज़ी इन मेकिंग रैप्स, बट स्टिल। और मुझे लगता है गोलगप्पे सबसे ज़्यादा सेल हुए होंगे, ज्वेल के बाद गोलगप्पे के जो ऑप्शन थे लोगों ने गोलगप्पे बहुत, हमारे साथ जो स्टॉल था वो गोलगप्पे का स्टॉल था, लिटरली वो इतना कोई अच्छा बना रहे थे, इतना कोई अच्छा, मुझे लग रहा था कि लोग जो एक बार खा के जा रहे थे वो बार बार उनके पास आ रहे थे। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ना यहाँ से लेयर्स का कपकेक लेना था, क्योंकि मुझे था कि यहाँ पे कोई लेयर्स के कपकेक भी सेल कर रहा था, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं अपने स्टॉल को छोड़ के जाऊँ और मैं जाकर लेयर का केक लूँ। अच्छा, इतने कोई मतलब लोग थे यहाँ पर, और स्पेशली कल्चर डे था तो मुझे कुछ लड़कियों की ड्रेसिंग स्पेशली बहुत अच्छी लगी, स्पेशली वो जिन्होंने पठानों के कल्चर को प्रमोट किया हुआ था, एंड दे वर वेयरिंग दोज फ्रॉक्स एंड वो जो माथा पट्टी होती है, लिटरली दे लुक सो प्रिटी। तो अगर कोई नवल की यूनिवर्सिटी में से कोई ये व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़, मैं इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती 10-15 हज़ार रुपये का वो ड्रेस लूँ, तो काइंडली मुझे एक ड्रेस सेंड कर दीजिएगा बिकॉज एक दिन के लिए क्या मैं वो ड्रेस लूँ, बट दैट वॉज लुक। ये देखें लड़की ने पहना हुआ था, ओहो। और ये हमारे सामने स्टॉल लगा हुआ था, और ये लड़का इतनी कोई अच्छी, इसकी भी कमाई हुई थी और बहुत बहुत मेहनत से भी इसे सेल कर रहा था अपने गजरे, और मुझे लग रहा था गजरों के उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था जो लोग सेल कर रहे थे। ये हमारे स्टॉल पे गजरे लगे हुए थे, और इसके बाद जैनब की क्लास मेट्स ने आना था और ये वो पहुँच चुके थे लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जैनब से प्रॉमिस किया था और आलिया से कि हम लोग आएंगे, और ये आलिया और जैनब अपने स्टॉल पे सेल कर रहे थे। और लिटरली अभी मेरे ख्याल से 4 से 5 बज चुके थे और अब हल्ला गुल्ला होने वाला था, क्योंकि रैपअप टाइम था तो सब रैपअप कर रहे थे, और इसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक लगा और जो डांस किया लड़कों ने, लाइक दे वर इन्जॉइंग, ऑफकोर्स थक चुके थे और इसके बाद उनका टाइम था इन्जॉय करने का। और हम लोगों ने सोचा कि हमारे कुछ रैप्स और मैक्रोनी रहती थी जो हमने सेल नहीं, लाइक नहीं हुई थी सेल, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है आपका सारा मटेरियल तो नहीं सेल होता। अब यहाँ पर लोगों ने एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए थे, बट यू नो वी आर हैविंग वेरी शार्प माइंड्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें पता था 7 लाल कुर्ती बाजार है, तो हमने बनाई प्लेट्स और हम वहाँ पर चले गए, एंड वी आर सो क्लेवर, हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पर प्लेट्स सेल करेंगे, ये कहकर कि ये हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से टास्क मिला हुआ है। और हमने ये बोला कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से टास्क मिला हुआ है, प्लीज़ आप एक प्लेट ले लें, अगर आप एक प्लेट तो हमारा जल्दी से सेल हो जाएगा और 6 बजे तक हमें सब सेल करना है, और अगर सेल हो गया तो हमारे नंबर्स लग जाएंगे। लिटरली पीपल्स आर सो गुड, पता नहीं क्यों लोग पाकिस्तानी लोगों को ऐसे कहते हैं, पीपल्स आर सो गुड एंड वेल, वो कहते हैं ना वार्मिंग पीपल थे, लाइक दे आर टेकिंग, दे सेड ओके ठीक है आप हमें दे दें। और हमने एक एक प्लेट 300 की सेल की थी, जिसमें रैप भी था और एक साइड पर हमने मैक्रोनी भी रखी थी, एंड लिटरली दे आर सो गुड, थैंक यू सो मच एंड सॉरी हम लोगों ने आप लोगों के साथ झूठ बोला, हम लोगों को टास्क मिला है, वी नॉट हैविंग एनी टास्क, मैं तो यूनिवर्सिटी की थी भी नहीं, मैं जैनब के साथ और आलिया के साथ।
बट स्टिल हमें टास्क नहीं मिला हुआ था, हम लोगों को अपने पैसे पूरे करने थे, बल्कि हमें प्रॉफिट भी हुआ था 7,000 to 8,000 का, तो हम लोगों ने बस ये एक्विजिशन दे के वहाँ पर एक ब्रेड ले लिए, तीन लोग हैं हम लोग, इट्स टू गुड, सर भी है ना हमारा, और अच्छा जिन्होंने नहीं लेना था वो कह रहे थे वो है हमारे सर, वो है हमारे सर, आप उनसे कहें वो पैसे देंगे। आप ले लेना, थोड़ी देर तक खा लीजिएगा, हमारा टास्क है खत्म, हम अभी चाय पीएंगे। आप लोग लेंगे, अंकल लेंगे, तकरीबन 100% लोगों में से ना हमसे 90% लोगों ने यहाँ पर ले लिया था। थैंक यू। रैप और माइक्रोनी है, और यहाँ हम एक दूसरे से इशारों में बात करते हुए कि हाँ हाँ सेल हो रहा है कि जाते जाओ, और बस ये रैप अप टाइम था, हमने अपनी चीज़ें वगैरह ली और हम जा रहे थे घर की तरफ। सो होपफुली आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को पसंद किया होगा, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।